कांग्रेस नेता और संसदीय विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने मोदी सरकार की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। मिस्त्री के साथ सवाल जवाब के बाद शशि थरूर ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मिस्त्री के साथ सवाल जवाब का दौरा शानदार रखा, तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। विदेश सचिव और भारतीय कूटनीति का धन्यवाद दिया। ईरान की अर्ध सरकारी तस्दीम समाचार एजेंसी ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान इसराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इसराइल को इस हमले के बदले उसी अनुपात में जवाबी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। राजद नेता ने पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर पोस्टर लगा दिया, जिस पर भाजपा और जदयू दोनों ने जमकर हमला बोला। बिहार में सत्ता पक्ष एनडीए के नेताओं ने इस पोस्टर को लेकर लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के दागदार रिकॉर्ड को लेकर तंज कसा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम की टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है। उप कप्तानी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहा जाता है। चक्रवाती तूफान नाना के चलते देश के कई हिस्सों के मौसम में खासा बदलाव आया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। चेन्नई के स्कूल में गैस लीक का मामला सामने आया है। गैस लीक के मामले के बाद कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस दौरान बच्चों के साथ साथ कुछ शिक्षकों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां 30 से अधिक छात्रों को कथित तौर पर गैस लीक के कारण बेचैनी और गले में जलन होने लगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न भाजपा नेताओं की ओर से चुनावी रैलियों में बटोगे तो कटोगे का नारा दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के इस स्लोगन पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जब भाजपा के पास बेरोजगारी, महंगाई, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अग्निवीर आरक्षण, संविधान का कोई जवाब नहीं है तो उनकी लैब में इसी तरह का नारा तैयार होता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले को सेना की तरफ से पहली बार बयान सामने आया है। आर्मी को श्रीनगर में तैनात यूनिट चिनार कॉर्प्स ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, पाकिस्तानी आतंकी घाटी में डर पैदा करना चाहते हैं, व्यापक कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। बारामूला में वर्कर्स पर हमला इसी बात का सबूत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। भारत ने बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के 18 मेंबर्स स्क्वाड में अभिमन्यु, ईश्वरन, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को चुना है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 19 अक्टूबर को सोना 77,410 रुपए पर था, जो अब 26 अक्टूबर को 78,015 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 605 रुपए बढ़ी है। चांदी पिछले शनिवार को ये 52,283 रुपए पर थी, जो अब 95,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।